हैं। और दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं चाणक्यपुरी के विवेकानंद कैंप की, जहां पर लोग टैंकर के भरोसे ही हैं। और बड़ी बात यह कि बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि टैंकर ही नहीं आता, वो भी हफ्तों तक। अब वहां के लोगों की आप बीती सुनिए। तो राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत से जनता कितनी परेशान है, उसकी तस्दीक मेरे पीछे ये तस्वीरें, मेरे पीछे ये खाली पड़ी बाल्टियां आपको दिखा रही है और इस बात की तस्दीक भी कर रही है। कई बाल्टियां, कई गैलन, कई केन्स आपको नज़र आ रहे होंगे जो यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं, किसी में भी पानी नहीं है। लोगों से जब हमने यहाँ पर बातचीत की है तो लोगों का कहना है कि खैर टैंकर आता है, टैंकर का अपना अपना टाइम है, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो काफ़ी निराश भी नज़र आ रहे हैं। भाई साहब, आप इसी एरिया में रहते हैं? हम इसी एरिया में नहीं, यहीं पर ड्यूटी करते हैं। ये हमारे स्टाफ का ही है, अभी तक टैंकर नहीं आया, महीने दिन से हुआ अभी तक टैंकर भेज ही नहीं रहे। टैंकर नहीं आ रहा ही नहीं रहा, मैं फ़ोन करो था हो गया, हफ्ते भर से ज़्यादा हो गया। हाँ जी, कितनी दिक्कत हो जाती है ऐसे? दिक्कत जब पानी नहीं है तो दिक्कत ही है। तो आप अभी बता भी रहे थे अंदर जो है टैंकर नहीं आया, टैंक खाली है, अंदर खाली है, अंदर के कूलर सूलर जो भी हैं सब खाली पड़े हैं, सब कोई पानी नहीं है। तो अंदर इसीलिए बाहर बैठ गए हैं क्योंकि अंदर गर्मी में कहाँ बैठे, कूलर नहीं चल पा रहा है। कूलर भी बेकार, सूखा थोड़ी चलेगा, वो भी गर्म हवाएं दे रही है, चद्दरों के मकाने हैं ये। अच्छा, तो दिल्ली सरकार तो ये भी कह रही है कि हम तो टैंकर्स भेज रहे हैं कई जगह। टैंकर हमारे लिए नहीं भेज रहे ना, ये कैंप के लिए भेज रहे हैं। और बाकी यहाँ पे और भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे कुछ लोग जो है निराश भी नजर आ रहे हैं। तो बाल्टियाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं, बाल्टियाँ यहाँ पे पूरी तरह से खाली पड़ी हुई है। पूरे इलाके की यहाँ पे बात करें तो जैसा मेरे वीजे ने अभी आपको दिखाया है कि यहाँ पे कई सारी बाल्टियाँ आपको नज़र आएंगी दूसरे कई जगहों पर जो पूरी तरह से खाली है। भैया, आप यहीं रहते हैं, पानी का टैंकर कितने बार आता है? पानी का टैंकर आता है यहाँ पर टाइम टाइम से आता है, सुबह सुबह आता है और शाम को भी आते हैं। टैंकर अगर एक आती है तो कितने देर? टैंकर ज़्यादा 5 मिनट के लिए मतलब आएगा, 5 मिनट पर पूरा टैंकर खाली हो जाता है, 5 मिनट के अंदर पूरा खाली। मिनट में जितने लोग, कितने लोग होंगे इस पूरे एरिया? इस एरिया में कम से कम 2 से 3 हज़ार लोग व्यक्ति हैं, व्यक्ति को नहीं भर पाता पानी, जिसका पाइप लगता है वो पानी भर लेता, जिसका पाइप नहीं लगता उन्हें पानी नहीं मिलता। पानी कभी ऐसी भी नौबत आती है जब जेब से पैसे खर्च करने होते हैं, पानी खरीदना पड़ता? हाँ, खरीदना पड़ता है यहाँ से, जिसको नहीं मिलता वो अपना पर्सनली जाएगा, टोंटी ऊपर जाएगा, पानी भरेंगे, अपना खरीदेंगे, ये होता है यहाँ पे। तस्वीरें आपको भी हमने दिखाई, मेरे पीछे आपको कई सारी बाल्टियाँ नज़र आएंगी, कई सारे केन्स नज़र आएंगे जो यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं, और लोगों को इंतज़ार है कि जब टैंकर यहाँ पे आएगा तो लोगों को यही उम्मीद है कि टैंकर जब पहुँचेगा तो वो इस गैलन को भरेंगे। देखिए, जितने भी गैलन है सारे आपको खाली नज़र आएंगे, लाइन से यहाँ पे कई सारे गैलन लगे हैं, कई सारे केन्स हैं, कई सारी बाल्टियाँ हैं। तो राजधानी के हाल आपने देख लिए, लेकिन अब आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की खबर बताते हैं, जहां लखनऊ में पिछले 4 दिन से अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था 1000 अवैध मकानों को तोड़ने का, उसे लेकर के लगातार कार्रवाई जारी है। लेकिन इसी के साथ अब योगी सरकार ने नई पहल शुरू की है और जो मकान तोड़े गए हैं उन सभी को वैध आवास भी दिए जा रहे हैं। आपको बताएं कि अकबर नगर में कुकरेल नदी से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसके बाद लगातार बुलडोजर वाली कार्रवाई यहां पर चल रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुकरेल नदी के किनारे अवैध रूप से करीब 1000 पक्के मकान तोड़े जा रहे हैं, लेकिन यहां पर जो लोग रह रहे थे अब उन्हें वैध आवास भी नियुक्त दिए जा रहे हैं, वहां पर उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और ये आदेश भी योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया है कि किसी भी नदी नाले के किनारे अगर कोई अवैध अतिक्रमण करता है तो उसे हटाया जाए, क्योंकि ये लड़ाई माफियाओं के खिलाफ है, ना कि गरीबों के खिलाफ। हमारे सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। लखनऊ के अकबर नगर के सड़क का एक हिस्सा अब लगभग लगभग समतल है। आप देखिए कैसे इस पूरे इलाके में हजारों की तादाद में घर थे और 4 दिन की कार्रवाई में जेसीबी बुलडोजर पुकलेन मशीनों ने इस पूरे इलाके को ध्वस्त कर दिया है। 2 इमारतें बची हैं जिनको लेकर प्रशासन अपनी तरफ से संवाद कर रहा है कि कैसे इस पर कार्रवाई की जाएगी। बाकी हिस्से को देखिए, तमाम जो घर यहाँ बने हुए थे सबको जमींदोज कर दिया गया है और यहाँ पर तमाम जो इन घरों में कई मंजिला घर थे, कई फिट के घर थे, उन्हें जमींदोज किया गया और जमींदोज करने के लिए तमाम जो पोकलेन जेसीबी के ड्राइवर और दूसरी मशीनें चलाने वाले लोग थे उन्होंने किया। आप भी काम कर रहे थे इसमें? नहीं, नहीं। क्या करने आए? बस वो लोहा बिनने। अच्छा, तो देखिए ये लोग भी पहुंचे हुए हैं, बिनने वाले जो मशीनें चला रहे थे उनसे संवाद करते हैं, बात करते हैं। बताइए क्या नाम है आपका? शिवा सिंह। शिवा, कितने इस इलाके में कितने दिन से काम कर रहे हैं? हम तो 2-3 दिन हुए हैं। 2-3 दिन से काम कर रहे हैं। बताइए कितने घर थे तकरीबन जो तोड़ा गया? 3-4 दिन से ही तो काम ही चल रहा है। हाँ, 3-4। कितने घरों को तोड़ा गया? बहुत, लगभग
अरे 50-70 घर थे। 70 घरों को तोड़ा गया। अच्छा 70 घरों को तोड़ा गया आपने? टूट चुके, हम नहीं तोड़े हैं। हम तो कल आए हैं। कल आए हैं। अच्छा, क्या घरों को तोड़ते हुए क्या कुछ आपने क्या क्या देखा? घरों में सामान था, खाली था, क्या था? नहीं, घर तो खाली थे। हा? घर खाली थे, घर खाली थे, खाली करवा दिए गए थे, उसके बाद टूटे हैं, अभी और टूट रहे हैं और घर तोड़े जा रहे हैं। अच्छा, इस तरफ से लेके कितनी दूरी है, यहाँ से लेकर जहाँ तक घर है दिखाते हुए तस्वीरों में हम बात करेंगे, कितनी दूरी है, कितने मीटर की दूरी? लगभग 150 मीटर की। 150 मीटर। हाँ। और बसावट कैसी थी, घुसने की जगह थी, मशीनें जा पा रही थी आप लोग के अंदर? नहीं, अंदर नहीं जा रही थी, अंदर तोड़ते हुए जा रहे थे। खुद ही रास्ता आप लोगों ने अपने लिए बनाया? तोड़ते। गलियां कितनी संकरी थी? पता नहीं, मालूम नहीं, पतली थी। अच्छा, तमाम लोग जो हैं यहाँ पे जिनके घर थे उनको बसाया गया, ले जाया गया, कुछ बात आपकी हुई लोगों से? घर आप तोड़ रहे हैं, तमाम तरीके के लोग? हमारी कोई बात नहीं। अभी क्या लग रहा है, अब ये सामने के हिस्से पे काम शुरू होगा, वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा? कम से कम 15 दिन लगेगा। बड़ा है वो हिस्सा? बड़ा हिस्सा, बड़ा है। देखिए, ये बुलडोजर आप जो कार्रवाई करने वाले, पोकलेन मशीन चलाने वाले, जेसीबी मशीन चलाने वाले ड्राइवर है, कर्मचारी हैं, और लगातार सुबह से ही एक्शन देखने को शुरू हो गया है। अकबर नगर में ये एक्शन लगातार जारी है।